हमारे प्यार भरी सत श्रीकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। उम्मीद करता सारे ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला भी छोंगे। दोस्तों आज मैं इटली में आया हूँ और ये देखिए मेरी गाड़ी की लोडिंग चल रही है, देखिए। और ये फैक्ट्री है इस तरीके से। दोस्तों लोडिंग का मैं आपको बता देता हूँ क्या हिसाब किताब होता है। जब भी हम किसी ट्रिप पर निकलते हैं तो सबसे पहले गाड़ी में एक मोबाइल होता है जो हमको गाड़ी के साथ मिलता है, किसी को टैब मिलता है, किसी को मोबाइल। उस पर डिस्पैचर मैसेज करता है, उस पर कोऑर्डिनेट देता है, वो कोऑर्डिनेट हमको भरना होता है, हमको लोकेशन मिल जाती है। फिर हमने उस लोकेशन पे पहुंचना होता है, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं या बोलना होता है कि मैं इस कंपनी से आया हूं और मेरी लोडिंग है। तो वो आपको बताते हैं ओके आप गाड़ी इस वाले रैंप पे लगा दें, जैसे हमने लगाई है गाड़ी, तो इस तरीके से गाड़ी लगा देनी है और वो फिर लोडिंग कर देते हैं। लोडिंग होने के बाद फिर हमको डिस्पैचर जिधर हमने अनलोड करना होता है उधर का कोऑर्डिनेट भेजता है, ठीक है ना। तो वो कोऑर्डिनेट हमको भरना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोकेशन जीपीएस पर काम करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट भरते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर आज सारी वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करें अगर आप समझना चाहते हैं कि यूरोप में जीपीएस पर कैसे काम करते हैं। आओ तलदानी माड़ा गाइस, देखिए ये मेरी जो है पर्सनल मैंने खरीदी है, ये मेरी, इसमें मैंने आईगो लोड कराया हुआ है। अधिकतर जो है कंपनियां जीपीएस देती है गाड़ी में, ये सारे जितना भी तामझाम लगा है सब देती हैं, लेकिन हमारी कंपनी में जीपीएस हमें ख़रीदना पड़ता है। तो मैंने ये ख़रीदा था लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया नेविटेल, तो मैंने इसमें आईगो अपलोड करा दिया है, ठीक है ना। अभी मैं आपको ऑपरेट करना सिखाता हूँ। इसमें आईगो प्रीमो डाउनलोड किया है मैंने, क्योंकि पंजाबी जहाँ जाते हैं जुगाड़ कर ही लेते हैं, नाविटेल है लेकिन इसमें आईगो प्रीमो डलवाया है मैंने। गाइस अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड एड्रेस, फाइंड प्लेस, फाइंड ऑन मैप, फेवरेट, हिस्ट्री, ठीक है ना। हमने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री देखनी है। हमने अपनी हिस्ट्री उड़ा देनी है। डिलीट ऑल, डिलीट ऑल, हिस्ट्री क्लियर हो गई। फाइंड एड्रेस, अगर हमारे पास एड्रेस है, जैसे हम गूगल मैप में एड्रेस डाल के ढूंढते हैं, शहर का नाम, जिले का नाम, गली का नाम, हाउस नंबर, तो आप यहां से भी ढूंढ सकते हैं। फाइंड प्लेस, आपको रेस्टोरेंट ढूंढना है, आपको कोई एयरपोर्ट ढूंढना है, पेट्रोल स्टेशन ढूंढना है, यहां से ढूंढ सकते हैं। मैप पे ढूंढना है तो मैप खोल के आप डायरेक्ट वहां पर टिप करके भी उसे ढूंढ सकते हैं। फेवरेट्स, फेवरेट्स में क्या होता है, जो भी आपकी कोई फेवरेट, मान लीजिए आप किसी सड़क से जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छी वहां पे कोई पार्किंग मिली है, तो आप वहां पे टच करके उसे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, तो वो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। और जब भी आप उधर दोबारा जाएं तो अपनी फेवरेट लिस्ट में जाके आप वहाँ। उसके बाद भाई ये देखो मैंने भी कुछ लोकेशन है जो मुझे, मैंने ऐड करी हुई अपनी हिस्ट्री में, तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेट, हमको कोऑर्डिनेट डालना होता है, यही है मेन चीज। हमको डिस्पैचर जो है मैसेज करता है, कोऑर्डिनेट हमको देता है जहाँ से लोडिंग करनी है, और साथ ही साथ जहाँ पर अनलोडिंग करनी है उसका कोऑर्डिनेट भी देता है। अब कोऑर्डिनेट होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी भी जगह पर जब हम जाते हैं, गूगल में हम लोकेशन डालते हैं या किसी को लोकेशन भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये डालना होता है कोऑर्डिनेट। देखिए एक ही होता है कोमा, दूसरा ये कुछ नंबर होते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस तरीके के कोऑर्डिनेट आते हैं, देखिए हर एक जगह का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हमें मैसेज भेजा जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट होते हैं। देखिए कुछ अक्सर ये 42 पॉइंट फलाना फलाना, फिर कोमा, ये दूसरा, ये वाला कोऑर्डिनेट जो पहले वाला है ये हमको ऊपर भरना है, ठीक है। और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है ये हमको नीचे भरना है, ऊपर नीचे, और उसके बाद डन करना है। मैं आपको अभी एक भर के दिखाता हूँ और किस तरीके से लोकेशन आती है, तो मैं बताता हूँ। मैं आपको ये लाल वाला भर के दिखाता हूँ, 40880558, 40.88058, एक बार चेक कर लेते हैं, 40880558।
ठीक है, उसके बाद ही दूसरा पढ़ते हैं, 11, 43, 51, 67। ग्यारह पॉइंट तिरालीस, 51, 67। अब इसको कर देना है भाई डन, तो जिसने लोकेशन पकड़ ली यहाँ से कर दो ओके ओके। ये अपने आप को कैलकुलेशन करेगा, गो। अब फिलहाल मेरी जो लोकेशन है, मेरी लोकेशन ये उठाएगा और हमको इस तरीके से दिखा देगा, और वो कितने किलोमीटर है ये भी बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये किलोमीटर इसने बता दिए। अब हमने अगर इसको देखना है तो इसको देखने के कुछ तरीका है, वो किस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, यहाँ से माइनस करके। ये देखिए इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस टाइम मैं इटली में खड़ा हूँ और ये फ्रांस का बॉर्डर है, फ्रांस के बॉर्डर के पास ये लोकेशन बता रहा है। ये कोई पेट्रोल स्टेशन है इटली का ही, फ्रांस स्टेशन से पहले, ठीक है, पेट्रोल स्टेशन का मैंने डाला था। तो इस तरीके से लोकेशन आ जाती है हमारी, टोटल 327 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 2000 किलोमीटर होता और आपको 2 दिन के लिए जाना होता, तो हमको कहीं पे रास्ते में रुकना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वे पॉइंट डालते हैं बीच में। अपनी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मान लो मेरे को यहाँ पे पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाना है, मान लो यहाँ पे टच करेंगे, इसके बिल्कुल पास जाएंगे, इसके आसपास देखते हैं कोई पेट्रोल पंप। मान लीजिए ये पेट्रोल पंप आपके रास्ते से अलग है, तो हम इसको यहाँ पे टच करेंगे, इस पेट्रोल पंप को ओके करेंगे और इसको वे पॉइंट बना लेंगे। ओके, यहाँ से कर देंगे गो। अब हम जाएंगे वहीं पर, अब देखो जो हमारा वे पॉइंट है जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाना है, अब ये उसकी डिस्टेंस बता रहा है। अब हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन वही है, लेकिन अब हम उस पेट्रोल पंप के थ्रू होके जाएंगे। आपको दिखाता हूँ, तो इस तरीके से 1, 2, 4, 5, 10 जितने वे पॉइंट आप डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए अब उस पेट्रोल पंप के थ्रू होके हमको जाना पड़ेगा, ये वे पॉइंट लग गया है, डेस्टिनेशन हमारी वही है। अब पहले अगर हम बाहर बाहर से जा रहे थे, अब पेट्रोल पंप में से होके जाएंगे। अब ऐसे डिस्पैचर अगर हमें 4, 5 शहरों के नाम देता है, आपने इधर इधर से जाना है और आपकी लोकेशन वहाँ से नहीं जा रही है, तो आप उस शहर को क्लिक करेंगे, उसकी सड़क को, उसके पास से जो हाईवे जा रहा है उसे क्लिक करेंगे, उसे वे पॉइंट पर ऐड कर देंगे, फिर अगले शहर को क्लिक करेंगे, तो जो जो शहर बता रहा है उस उसको क्लिक करके उसे वे पॉइंट में ऐड कर लेंगे, तो आपका रास्ता जो सीधा जा रहा है उन शहरों में से हो के जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो जो सीधा रास्ता जा रहा है उस पर बैन हो, डिस्पैचर को पता है, तो आपको उधर से भेजना चाहता हो, तो आपने उस शहर को टच करना है, उसके हाईवे को वे पॉइंट पर लगाना है, तो आपका जो रूट है वहाँ से बन जाएगा और डेस्टिनेशन आपकी वहीं रहेगी। तो दोस्तों अभी जब हम गाड़ी चलाएंगे तो किस तरीके से ये काम करती है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। गाइस ये देखिए अभी हम चल पड़े हैं, इधर देखिए सड़क पर, और ये लोकेशन चल रही है साथ ही साथ। अब ये लोकेशन के हिसाब से जाना है, अगर ये राइट बोलेगी तो राइट चले जाना है, लेफ्ट बोलेगी तो राइट, इसको देख के चलना है, जैसे हम गूगल मैप में देख कर चलते हैं। भाई देखो ये इस तरीके से बताता है, ये 3 रोड हैं, आपने जिधर जाना है आपने इन 3 रोड पर रहना है। ये जो चौथा रोड राइट साइड पे कट रहा है इस पर नहीं जाना है, इस तरीके से नेविगेशन बताती है।
उसके अलावा स्पीड लिमिट भी बताती है, देखते हैं ये 83 किलोमीटर ये मैंने सेट किया हुआ है, नहीं यहाँ पे 90 किलोमीटर जा सकते हैं लेकिन 83 मैंने सेट किया है। कभी कभी ये 50 बता रहा है, इसका मतलब ये है नीचे जो ये आइकन आ रहा है पानी का कि बरसात के टाइम पे अपने आप 50 की स्पीड से चलना है, जब बारिश हो रही होगी वैसे आप 83 मैक्सिमम चल सकते हैं। और जगह जगह पर बोर्ड लगे होते हैं, देखिए 50 किलोमीटर, ये सिर्फ राइट हैंड जाने के लिए है। अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आप 83 पर जा सकते हैं, 85 पर जा सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं, 90 प्लस में मुश्किल है, 90 प्लस में आपका चलान आ जाएगा, ठीक है। और ये रोड का नाम वगैरह सब बताता है, देखिए। उसके अलावा कहाँ कैमरा है और कहाँ पे पेट्रोल स्टेशन है ये सब बताता है, देखिए ये कैमरे का साइन है, कैमरा आ रहा है आगे। तो लोकेशन में सारी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी हमको साइन बोर्ड देख के जाना है। कई बार ये गलत भी बता सकता है लेकिन अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको साइन बोर्ड और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना है। इस तरीके के बोर्ड आते हैं, ये देखिए ट्रक इधर नहीं जा सकते, यानी ट्रक वो पहली वाली लाइन, तो पहली वाली लाइन पे ट्रक नहीं जा सकते। You have three line overtracking, you can. You no can. Problem. Okay. If you have two line road number 22. Hmm. If you go down have sign 60 kilometers in our speed limit. Hmm. If you overtracking police stop and give you driver documents. Okay. भाई इनके कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे तीन लाइन है वहाँ हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन 822 एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब थोड़ी ढलाई है, वहाँ पे दो लाइन है सिर्फ, तो वहाँ पे 60 की स्पीड है, उस टाइम अगर हम ओवरटेक करते हैं तो वहाँ पे ओवरटेक करना मना है, वहाँ पे हमारे ड्राइवर डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे अगर आपके आपको पुलिस पकड़ लेती है। ये देखिए फिर से कैमरे के बारे में बता रहा है, तो इस तरीके से लोकेशन सब कुछ बताती है, फिर आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए जो कैमरा बता रहा है वो यहाँ पे है कहीं लगा हुआ, ये देखिए जो ये कैमरा बता रहा था। इस तरीके से बहुत सारे मोड़ गेड़ आते हैं लेकिन हमने अपनी रेड लाइन में ही चलना है, जिधर ये बताएगा हमें उधर ही जाना है। भाई ये देखो पेट्रोल पंप वगैरह भी ये बताता है, ये देखो ये सब पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पार्किंग भी होती है, लेकिन पेट्रोल पंप से 3 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर पहले आपको सड़क के ऊपर भी साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे, उसमें सब लिखा रहता है वहाँ पर खाने पीने का है, पार्किंग है, लैटरिन बाथरूम है या नहीं है। लैटरिन बाथरूम को इधर WC बोलते हैं, WC है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे होती है। तो इस तरीके से देखिए पेट्रोल पम्प बता रहा है यहाँ पर, और जैसे ही बोर्ड आएगा मैं बोर्ड भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके का बोर्ड आता है। भाई अब देखो एक ये पार्किंग आ रही है, जंगल पार्किंग, ये देखिए जंगल पार्किंग आ रही है, तो पार्किंग का निशान भी यहाँ पे होगा। अभी मैं देखिए पार्किंग लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे पार्किंग के अलावा और कुछ नहीं है, लैटरिन बाथरूम वगैरह मैकडी रेस्टोरेंट कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये जंगल वाली पार्किंग दिखा रहा है यहाँ पे। भाई इधर हो लेना है साइन के बाद, और ये देखिए आप ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये पार्किंग है पूरी, और इस तरीके से बहुत सारी इस तरीके से पार्किंग होती हैं। ये तो बड़ी पार्किंग थी, इससे छोटी पार्किंग भी होती है। और फ्रांस में तो जो जंगल पार्किंग होती है वहाँ पर लैटरिन बाथरूम भी होता है। भाई अगर आप इसके हिसाब से चलते रहते हो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हो, पर अगर कोई गलत कट आप ले लेते हो तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, या आपको आगे से यू टर्न लेके या किसी और रोड से फिर वापस उसी रोड पर मिला देती है, कोई दिक्कत नहीं अगर आप गलत भी मुड़ जाते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पे कर लो, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आगे डालता रहूँगा। और YouTube पे आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे ये बारीक से बारीक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।